देवी प्रपन्ना तिहरे प्रसीदा प्रसीद मातर जगतोखिलस्यः प्रसीद विश्वेश्वरि पायि विश्वं त्वामीश्वरी देवि चराचरस्यः। ओम नमस्कार, एसटीयू में आपका स्वागत है। मैं हूँ आचार्य आशीष टंगवाल। आज हम बात करेंगे अक्टूबर के राशिफल की और महीने की जो शुरुआत जो हो रही है वो हो रही है मिथुन लगन से। लगन का स्वामी यानी कि बुध पत्रिका के अंदर पंचम के स्थान पर, विद्या के स्थान पर भी मौजूद है। और पंचम स्थान जो कहा जाता है वो एक तरह से कह सकते हैं कि हम जो दिमाग से जो हम कार्य करना चाहते हैं, जो हम सोच रहे हैं, जो हम प्लानिंग कर रहे हैं, उन प्लानिंग को सक्सेसफुल करने के लिए हम पाँचवें स्थान से यानी फिफ्थ हाउस से ही देखते हैं। तो उस स्थान में बुध का होना, बुद्धि का होना यानी कि बुद्धि हमारी काफ़ी एक्टिव रहेगी, दिमाग काफ़ी तेज चलेगा इस समय पर। साथ ही साथ जो है चंद्रमा की हम बात करते हैं तो चंद्रमा जो कि मन का और धन का जो कारक ग्रह है वो भी जो है इस समय पर जो कुंडली के अंदर विद्यमान है वो भी पंचम स्थान में ही बैठा हुआ है। यानी कि मन भी हमारा सब जो है सपोर्ट कर रहा है और साथ में हमारा दिमाग भी हमें सपोर्ट कर रहा है। तो इसका राशियों के ऊपर इसका जो प्रभाव है वो अलग अलग तरह से पड़ेगा, क्योंकि इस समय पे जो सूर्य की स्थिति है या मंगल की स्थिति है, विशेष करके देखा जाए तो इसी अक्टूबर के मंथ में कुंडली के अंदर थोड़ा सा जो ग्रहों का जो प्रभाव है, काल सर्वदोष भी प्रभाव में आ रहा है कुंडली के अंदर। इसका भी थोड़ा बहुत हमारी राशियों के ऊपर इसका जो है सुप्रभाव भी और कुप्रभाव भी दोनों तरीके से रहने वाला है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले खास अपील है आपसे, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर करें और साथ में जो है इसको लाइक भी करें और अपने मित्रों को शेयर भी करें। वृश्चिक राशि, राशि का स्वामी मंगल जो कि विद्यमान है कुंडली के अंदर लाभ के स्थान पर है, आपके लिए काफ़ी अच्छा है। यानी कि आपकी राशि को बल मिल रहा है और इसका सीधा जो बल है आपके कर्म क्षेत्र के लिए बहुत ही बढ़िया, क्योंकि कर्म क्षेत्र का जो मालिक है पत्रिका के अंदर वो बनता है आपका सूर्य। सूर्य भी विद्यमान है आपके लाभ के स्थान पर, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो ये आपके बिजनेस के लिए भी और आपके करियर के लिए भी काफ़ी अच्छे अच्छे योग खुलेंगे। यानी कि अगर कुछ आप कुछ नया कुछ करना चाहते हैं तो उसमें आपको सफलता अच्छी प्राप्त होगी। भाग्य की बात करते हैं तो भाग्य का मालिक है पत्रिका के अंदर आपका चंद्रमा जो कि विद्यमान है आपके 12वें स्थान में। तो थोड़ा सा जो भाग्य है वो आपके 12वें स्थान में, यानी कि जो भी भाग्य जो खुलना है उसके लिए अपने कर्म को क्षेत्र को लेकर अगर आप बाहर जाते हैं, आउट ऑफ कंट्री में अगर कुछ काम करना चाहते हैं या कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो उसमें आपको अच्छा सफलता मिल सकती है, जिससे कि आपका भाग्य भी अच्छा आपको सपोर्ट करेगा। इसके साथ में हम बात करते हैं प्रेम संबंधों की, तो प्रेम संबंध कारक जो ग्रह है कुंडली के अंदर वो बनता है आपका शुक्र, और शुक्र की जो स्थिति है वो है आपके लाभ के स्थान पर। तो लाभ स्थान में शुक्र बैठा है परंतु ये नीच राशि का है और सूर्य के साथ में है, तो थोड़ा सा प्रेम संबंधों में और जो है दाम्पत्य जीवन में ये थोड़ा सा क्लेश पैदा करता है। कभी कभार थोड़ा दिक्कतें भी रहती हैं, विचारों में मतभेद भी रहता है इसमें। इसी का ये प्रभाव आपके जो है मन के साथ साथ में आपके प्रेम संबंधों में भी है और आपके जो है विवाहित जीवन के अंदर भी पड़ रहा है इसमें। विशेषकर मैं यही सलाह दूंगा कि अगर आप कुछ भी डिसीजन लेना चाहते हैं शादी को लेकर तो थोड़ा सा आप जो है इसमें थोड़ा होल्ड करके चलें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। साथ में बात करते हैं आपके धन के लिए, तो धन कारक जो ग्रह है कुंडली के अंदर वो बनता है आपका बृहस्पति जो कि आपके लिए काफ़ी अच्छा है इस समय पे। धन के योग बनाएगा क्योंकि ये लगन में ही बैठा हुआ है, तो लगन का बृहस्पति आपके लिए काफ़ी अच्छा धन के योग बनाएगा। विशेष करके यहाँ पे जो है पैतृक संपत्ति के योग, जो भी कुछ पैसा रुका हुआ है वो भी आपको इसमें प्राप्त हो जाएगा। शिक्षा की बात की जाए तो शिक्षा के लिए भी बृहस्पति ही आपकी कुंडली में शिक्षा का मालिक बनता है जो कि पंचम में है, और पंचम दृष्टि इसकी जो है शिक्षा के घर पे पड़ती है जो कि आपके लिए बहुत सफलदायक रहने वाला है। दर्शकों, यह राशिफल सामान्य ज्योतिषीय आंकलन के द्वारा बनाया गया है। यदि आप अपनी कुंडली के आधार पर राशिफल जानना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर या लिंक पर जाकर आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। साथ ही यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपनी राय अवश्य दें।